नमस्कार साथियों विद्यार्थियों, अगर हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर अपनाया जाता है उसको समझ लें तो हम ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन इजीली कर पाएंगे। तो इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का और हिंदी में जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, दोनों में डिफरेंस है, सेम नहीं है। तो एक दूसरे का मुकाबला करते हुए हम समझेंगे कि इंग्लिश में स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, और साथ में आज यह भी समझेंगे कि विद्यार्थी एग्जाम में कौन सी ज्यादा गलती करते हैं, तो उसको जरूर देखना। समझते हैं स्ट्रक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर यहां हिंदी में यहां इंग्लिश में आपस में मुकाबला करने के लिए, तो हिंदी में जैसे कोई वाक्य है, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो इसमें मैं एक कर्ता है, काम करने वाला है, और क्रिया क्या करता है, लिखना, और उसकी क्रिया का असर किस पर होता है, कर्म पर। तो यहां मैं तो हो गया कर्ता, एक पत्र कर्म हो गया जिस पर क्रिया का असर होगा, लिखता हूं क्रिया होगी, ये तो इजी है, आप समझ गए होंगे। तो इसमें हम इंग्लिश में कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट और कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो क्रिया होती है उसे कहते हैं वर्ब, जिसे हम फॉर्मल भी कह देते हैं, फॉर्म कह देते हैं, वो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब का वर्ब की किस्में है आगे। तो इसमें जो हिंदी में जो फॉर्मेट बना, हिंदी में जो ढांचा बना वाक्य कहने का, वह बना कर्ता कर्म फिर क्रिया, कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो इनका एक एक अक्षर लेकर एस ओ वी, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास एस ओ वी। पहले हिंदी में सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, कहने का भाव कर्ता कर्म और क्रिया। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में जैसे हिंदी में पहले कर्ता था, ऐसे ही इंग्लिश में भी पहले कर्ता है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन उसके बाद इसके ढांचे में तब्दीली हो जाती है। कैसे, कर्ता के बाद हमारे हिंदी में तो आता था कर्म, लेकिन यहां आती है क्रिया। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी क्रिया वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जिस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जिस पर क्रिया का असर हो। तो यहां राइट जो क्रिया है और जो सब्जेक्ट है आई, वह जब राइट की क्रिया करेगा तो किस पर असर होगा, वो लेटर पर होगा, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इंग्लिश में ढांचा क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। हिंदी में क्या था, सब्जेक्ट पहले आता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता था, फिर क्रिया आती थी, वर्ब आता था। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा बन गया इंग्लिश में, एस वी ओ, वहां कौन सा था, एस ओ वी। तो आज हम इस स्ट्रक्चर को भी समझते हैं, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में विद्यार्थी कौन सी गलती करते हैं। तो जैसे ये वाक्य आ गया, वह सुबह जल्दी उठता है, तो विद्यार्थी लिखते हैं ही इज अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि बिल्कुल गलत है। लिखना क्या चाहिए, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो विद्यार्थी को यह नहीं पता चलता कि कहां हमने कर्ता के साथ इज लगाना है और कहां जो है कर्ता के साथ फॉर्म का इस्तेमाल कर लेना है। अगर यह बात समझ लग जाए तो 50% चांस बन जाएंगे
कि आप इंग्लिश जल्दी सीख लो, क्योंकि वॉयस भी आपको समझ आ जाएगा, नरेशन भी समझ आ जाएगा, और जब कोई चीज भी आप ऐसे लेटर याद करोगे लिखोगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा एग्जाम में। हम समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं कि कहां इज लगाना है और कहां जो है फॉर्म का इस्तेमाल करना है। करता तो वही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर जगह ही इज लगा देते हैं, वो आदत छोड़नी होगी हमें। जैसे वह एक कहानी सुनाता है, तो वह व्यक्ति जो है वह कोई काम करता है, वह कोई क्रिया करता है। जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता है तब हमें सब्जेक्ट के साथ फॉर्म वाला फॉर्मूला अपनाना होगा। तो क्या आएगा, ही टेल्स अ स्टोरी। लेकिन अगर यह आ गया वह कहानी सुनाने वाला है, तो किसी व्यक्ति की कोई क्वालिटी बताई जा रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि वह विद्यार्थी है, वह अध्यापक है, तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति का कोई गुण या कोई औगुण बताया हो तो वहां हमने इसका इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन जब किसी वाक्य में कोई काम के करने के बारे में बताया गया हो, वहां हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल करना है, कर्ता के साथ क्रिया का इस्तेमाल करना है। वह कहानी सुनाने वाला है, किसी व्यक्ति का गुण बताया है, ही इज अ स्टोरी टेलर, ही इज अ स्टोरी टेलर, ही इज अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्विमर, ही इज अ रेसलर। ऐसे वाक्य में इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि किसी व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है। वह रेसलिंग कर नहीं रहा, वह स्विमिंग कर नहीं रहा, वह उसका गुण है कि वह स्विमर है, ही इज अ स्विमर। तो आगे एक और उदाहरण है, इस उदाहरण से आप पक्का समझाओगे। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो बच्चे क्या लिखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, बच्चे लिखेंगे डॉक्टर इज ऑपरेशन, ऐसा ही होता है ना, जो कि गलत है, क्योंकि डॉक्टर जो है कोई काम कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, उसके पास क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, डॉक्टर के बाद हमने वर्ब लगाना है, डॉक्टर ऑपरेट्स। ये वाक्य से आपको क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर है, वाक्य है वह एक डॉक्टर है, किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, He is a doctor. वह एक डॉक्टर है। तो किसी व्यक्ति की जब हम कोई क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी उसकी जो विशेषता है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तब तो इसका इस्तेमाल करना है। He is a cricketer. He is a bad boy. तो किसी व्यक्ति की कोई क्वालिटी बतानी है, गुण या औगुण बताना है, तब हमने कर्ता के साथ इसका इस्तेमाल करना है। और अगर वह कर्ता कोई काम कर रहा है, तब इसकी जगह वर्ब की फॉर्म लगेगी, वर्ब का कोई रूप लगेगा, वो कौन सा होगा वो हमारा टेंस चार्ट बताएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, इससे आपको जानकारी हुई है, तो सरबत के भले के लिए आप इसको दूसरे साथियों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे चैनल का नाम है दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।